हेलो दोस्तों दोस्तों क्या आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा आज इतना तेज़ भागा क्यों? 10% ऊपर था। टाटा मोटर्स और कितना भागेगा या फिर SBI कहाँ जाके रुकेगा? अगर आपको ये सारे बात पता चल जाए, और ऐसे ही बहुत से स्टॉक से रिलेटेड आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो कि या भाग रहे हैं या फिर भागना स्टार्ट कर लिए हैं, तो वो क्यों भाग रहे हैं और कहाँ तक भागेंगे, इस बात की बात करेंगे। और पूरा का पूरा मार्केट जिस हिसाब से भाग रहा है तो उस मार्केट को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट कहीं से टर्न लेता है तो बहुत बड़ा लॉस होगा लोगों को, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला हमारा कौन सा स्टॉक है और उसके क्या डिटेल्स रहेंगे। तो पहला हमारा जो स्टॉक है वो टाटा मोटर्स है। आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स काफ़ी टाइम से भाग रहा है, और भाग क्यों रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये तेज़ी से भाग रहा है, ये 130 के लेवल से, यानी 130 का जो लेवल था उसके बाद से ये भागना स्टार्ट किया और 172 का लेवल आ गया, यानी कि 42 अंक ये भाग चुका है, और उतनी ही तेज़ी से शानदार तरीके से भागता ही जा रहा है। आज तो लगभग 10% तक भागा था। तो आखिर भाग क्यों रहा है? तो आपको पता होगा कि दिवाली में सबसे ज़्यादा कोई कार अगर बुकिंग किया था तो वो टाटा मोटर्स के पास गया था, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी लोगों ने कार खरीदा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदी हैं, और इनके पास इतनी बुकिंग है ऑलरेडी कि इनका शेयर और इनका पूरा का पूरा बिजनेस दोनों बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसीलिए ये शेयर भाग रहा है। तो ये और कहाँ तक भाग सकता है? तो दोस्तों बहुत ही आप ये भी कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर सबसे लास्ट में चलना स्टार्ट किया है, यानी कि जब कोविड का इफेक्ट पड़ा शेयर मार्केट पर तो जो ऑटो सेक्टर था वो सबसे लास्ट में जगह है, और अभी तो ये जगह है, अभी चलना स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत ऊपर तक जाना है। दो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 200 का टारगेट आ जाएगा अगर टाटा मोटर्स की बात करें। हाँ बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, बट 200 का टारगेट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा टाटा मोटर्स में। तो चलिए नेक्स्ट अपने स्टॉक की बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है SBI। अगर SBI की बात करते हैं तो 190 के लेवल से आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार तरीके से और काफ़ी खूबसूरती से ये ऊपर भाग रहा है, और ये 250 का लेवल आज क्रॉस कर दिया और 252 पे जाके क्लोज हुआ है। इसका मतलब है कि ये और ऊपर तक जाएगा। तो और ऊपर तक जाएगा तो कितना ऊपर तक जा सकता है? तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जो कि जियोजित फिनेंशियल सर्विसेज की तरफ से है, अगर इनकी माने तो ये 22% ऊपर और जा सकता है, यानी इस लेवल से ये 22% ऊपर तक जा सकता है, इतनी पोटेंशियल है इस शेयर में। और आपको पता होगा PSU में अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई भी स्टॉक होता है तो सिर्फ और सिर्फ लोग SBI को प्रेफर करते हैं, और SBI 22% और ऊपर जा सकता है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी ऊपर इसकी टारगेट है। और आज ये अपना 5 दिनों का EMA भी तोड़कर, यानी कि 238 का लेवल, हालांकि शेयर 240 से स्टार्ट ही हुआ था और 240 से स्टार्ट होकर 238.05 रुपये जो कि आज का लो बनाया, उसके बाद ये शेयर ऊपर जाता ही गया और जाकर ये बंद हुआ 252.80 रुपये पे। तो आप देख सकते हैं, तो टारगेट तो बहुत ऊपर है 22% तक का, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा शेयर, बहुत सेफ शेयर माना जाता है, यानी अगर आपको सेफली इन्वेस्ट करना है तो इस शेयर को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हैं। वही अपने नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करते हैं तो BIP इंडस्ट्री है, अगर इस शेयर की बात करें तो दोस्तों ये शेयर मतलब काफ़ी रिजल्ट कुछ खास नहीं था, मतलब नेगेटिव था रिजल्ट, बट अगर Q1 से Q2 के कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, और उसी के बदौलत ये शेयर काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। और आपको पता होगा ये मार्केट लीडर भी है अपने बिजनेस से में। तो अगर इस शेयर की बात करें तो ये आज भागा है 7.88%, यानी कि लगभग 8% की ग्रोथ आज ही इस शेयर में देखने को मिला है। अगर पूरे महीने का डिटेल निकाला जाए तो पूरे महीने में ये शेयर 28.6% तक भाग चुका है, यानी कि वो शेयर्स जो कि 15-20% सिर्फ रिटर्न देते हैं पूरे साल का, ये शेयर एक महीने में 28% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा चुका है, और अभी भी कंटिन्यूस बना हुआ है, ऐसा नहीं कि अब थक गया है या फिर अब रुकेगा। तो इस शेयर के अगर टारगेट की बात करें तो 380 का टारगेट बड़े आराम से आ जाएगा इस शेयर में, और शॉर्ट टर्म में ये 380 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, तो इस शेयर के साथ भी आप बने रह सकते हैं। अपने नेक्स्ट स्टॉक की हम बात कर लेते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर इनकी बात करें तो कमाल का आज मूवमेंट देखने को मिला, सडन में इतना ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली इस शेयर में, तो वो काफ़ी अच्छी बात थी। अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो 10.36% की ग्रोथ देखने को मिली है,
तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी थी दोस्तों। इस शेयर के भागने के पीछे एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि तेलंगाना में जो इनकी फैक्ट्री है उसमें ये लाइट वेट ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और उसमें ये 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अचानक से पूरा एकदम लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से अभी नई फसल भी लगनी स्टार्ट हो गई है, तो उसमें ट्रैक्टर्स की काफ़ी डिमांड है, और ख़ासकर इनके ट्रैक्टर्स की, महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्कॉट की बात कर लिया जाए तो इसीलिए जो हैवी व्हीकल वाली कंपनियां हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले, चाहे वो ट्रक हो जाए, चाहे आप ट्रैक्टर्स की बात कर लें या बसेस की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जो हैवी बनाते हैं व्हीकल उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से हो रही है, इसीलिए वो कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि ये लाइट वेट ट्रैक्टर भी बनाने जा रहे हैं तेलंगाना वाली फैक्ट्री में, और 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है, इसीलिए ये शेयर आज काफ़ी तेज़ी से भागते हुए दिखा है। और पूरे महीने की अगर बात किया जाए तो 18.8% की ग्रोथ दिखा चुका है ऑलरेडी ये शेयर, तो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी कमाल की ग्रोथ रही है। तो अगर इनके आगे की बात करा जाए तो क्या हो सकता है टारगेट, तो आगे का टारगेट शॉर्ट टर्म की बात किया जाए तो 725 का टारगेट इसमें जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, और 725 का टारगेट जैसे ही टूटेगा उसके बाद 750 के आसपास भागने की तैयारी बन जाएगी। और तीसरी आपसे पूरा का पूरा सेक्टर भाग रहा है, पूरी की पूरी मार्केट भाग रही है, तो जल्दी ये 750 का भी टारगेट टच करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो वहीं अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो हैथवे केवल, दोस्तों इस शेयर को मैंने उसी टाइम बोला था जब ये 28 रुपये 27 रुपये पर चल रहा था, यानी कि जब ये 30 के नीचे गया था तभी मैंने आपसे कहा था कि 30 के नीचे अगर ये शेयर मिल जाता है तो ज़रूर से ज़रूर आपको उठा लेना चाहिए, क्योंकि हाँ थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बट रिस्क और रिवार्ड काफ़ी अच्छा रहता है। आप देख सकते हैं आज ये 10% के अपर सर्किट पर था, यानी कि कमाल की ग्रोथ है दिखा दिया ये सिर्फ और सिर्फ इतनी जल्दी में। जिस हिसाब से इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली तो ऐसा लगता है कि ज़रूर से ज़रूर 30 का जो इनके लिए लेवल था वो इनका सपोर्ट है, अगर उसके नीचे ये शेयर मिलता है तो आपको ज़रूर से ज़रूर वो शेयर उठा ही लेना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे RSI के थ्रू अगर आप देखते हैं तो RSI भी एकदम आप ओवरसोल्ड हो चुका था, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ तो होनी ही थी। हाँ थोड़ा सा वेट हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग जाए, 10 दिन का टाइम लग जाए, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शेयर एकदम से नीचे ही चला जाएगा, क्योंकि सबका एक सपोर्ट होता है और कोई भी शेयर उस सपोर्ट के आसपास ही रहता है, उसके बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए ये पॉसिबल नहीं होता, जैसे इस शेयर के साथ हुआ, ये 27 साढ़े 27 के आसपास जाकर उसके बाद वहीं संभल गया, उसके नीचे नहीं गया ये शेयर। और आप देखेंगे कि आज कमाल की कम बाउंस बैक रही है, तो इस शेयर्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और जिस हिसाब से आपको पता होगा कि पूरा का पूरा मार्केट ये कवर करते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनकी इनकम जो होती है वो ब्रॉडबैंड से होती है, और जिस हिसाब से रिलायंस ने इन्हें एक्वायर किया था तो कुछ तो बड़ा प्लान होगा ये रिलायंस के पास। तो इस शेयर के साथ भी लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आप ग्रोथ देख ही रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में हो सकता है और भी ग्रोथ आपको देखने को मिले। तो इस शेयर के साथ कम से कम नेक्स्ट इनका जो टारगेट रहेगा वो 35 का रहेगा शॉर्ट टर्म में, यानी 35 का लेवल अगर टूटता है और जिस दिन ये 35 के ऊपर जाके बंद हो जाएगा उसके बाद ये डायरेक्टली 40 के आसपास जाते हुए आपको दिखेगा जल्दी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।